हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो बताने जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा बड़े अक्षर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ये आपको क्लास इलेवेंथ का जो है थर्ड चैप्टर होता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में यही आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे जैसा कि कोई प्रॉब्लम होता है, या अगर आप ट्वेल्थ में है, ठीक है, ट्वेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह का सीरीज अभी चल रहा है, आप उसके साथ कमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई टॉपिक पे कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो अलग से बना के दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो चलिए, मैं एलेवेंथ वालों के लिए भी कुछ सोच रहा था कि वीडियो कुछ बना के अपलोड कर दें। तो अभी तक जो है ना, एलेवेंथ का एनसीईआरटी का कोई एक भी सोल्यूशन अपलोड नहीं आया गया है। ठीक है, मतलब स्टार्ट की गई, यानी कि इसका, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है, वो ट्रिग्नोमेट्री को खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है, सबसे पहले ट्रिगोन, फिर यहाँ पे मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन प्लस में मेट्रोन। अब इसका अलग अलग मीनिंग होता है, इसका मीनिंग आप देख सकते हैं। ट्रिगोन का मतलब होता है साइड ऑफ ट्राइंगल, एंड यहाँ पे मेट्रोन का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी कि ज्योमेट्रिकल होता है, यानी कि लेंथ हो जाएगा, या पेरीमीटर बोलिए, या उसका मापन हो गया, इसको मापते जिसको है ना, उसको हम मेट्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे, चलिए इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, इसका डिफिनेशन आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं ये एंगल होता क्या है। ठीक है, एंगल क्या होता है, तो ये इनिशियल साइड है। ठीक है, ये जो है ना इनिशियल साइड बोलते हैं, ओ से ओ ए का लेंथ, और ये ओ ए जो है ओ बी, वो जो टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल से टर्मिनल साइड के बीच में जो मतलब रोटेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, यानी एंगल। तो ये एंगल जो होता है ना, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस डायरेक्शन को बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक है, फिर वहीं अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव एंगल हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव एंगल होता है और ये निगेटिव एंगल होता है, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आप बोल सकते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसके बाद जो है ना, इसलिए क्लॉकवाइज की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक ये भी जा सकते हैं कि मतलब इनिशियल और टर्मिनल साइड जो होता है ना, अगर इनिशियल साइड ये है, ओ से ओ ए, और फिर यहाँ पे रिटर्न होके, यानी कि रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और यहाँ पे वापस से यहाँ पे ओ से ओ ए पर ही ओ बी लाइन समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 180 बनाएगा, 180 एंगल बनेगा। ठीक है, 180 बनेगा, तो 180 डिग्री, यानी पूरा एक चक्कर लगेगा 360, यानी पूरा लाइन जो होता है 180 का होता है, और फिर यहाँ पे 180, तो टोटल मिला के कितना आएगा, 360 एंगल बना लेगा। ठीक है, अगर एक लाइन जो होता है वो खुद का अपने आप में क्या होता है, 360 पे होता है। ठीक है, या एक पॉइंट भी अगर बोल देना, तो यहाँ एक पॉइंट भी अगर बोल देंगे, तो ये पॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री का बनाएगा एंगल। यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो है ना डिग्री मेजरमेंट्स, इसको डिग्री मेजरमेंट्स, इसको दो तरीके से मेजरमेंट्स किया जाता है, एक रेडियन और एक डिग्री। ठीक, डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट्स क्या होता है, तो सबसे पहले 1/60 पार्ट्स ऑफ यहाँ पे बोला गया है रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इट इज रोटेशन ऑफ, इफ ए रोटेशन ऑफ फ्रॉम इनिशियल टू साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, इज यहाँ पे 160, 1/360 जो है, तो यहाँ पे इतना रोटेशन जो होगा, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये एंगल बना लेगा, या डिग्री रोटेशन हो जाएगा। अब एक चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पे ये 360 है, तो यहाँ पे इसको जो है ना, इसका वन पार्ट जो हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे 360 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक पार्ट जो होगा ना, ये 1 डिग्री का बनाएगा, ये जो होगा 1 डिग्री का बनाएगा, तो ऐसे ऐसे 360 पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, 360 पार्ट्स हो जाएगा, तो वो एक एक डिग्री में बांटेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि एक डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और 60 मिनट का सिंबल होता है डैश से, और यहाँ पर एक मिनट जो होता है, एक मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, डबल डैश से डिनोट किया जाता है, सेकेंड को जो है ना डबल डैश से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह पे लिखा हुआ है, मिनट एक डिग्री बराबर में 60 मिनट, और यहाँ पे एक मिनट बराबर में 60 सेकेंड। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है जीरो, यहाँ देख सकते हैं ओ से ओ ए और यहाँ पे ओ से ओ बी, ये दोनों जो होगा ना ये आपको क्या बनाएगा, ये 360 एंगल बनाएगा, फिर यहाँ भी 180 बनाएगा, फिर यहाँ पे 270 बनाएगा, ये जैसा कि ये मतलब 1/3 3/4 रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जो मेजर किया जाएगा वो एंगल को कैसे मेजर किया जाएगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये टॉपिक है, एक रेडियन कैसे बनाएगा, दूसरा एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है। तो एक रेडियन जो होता है जब यहाँ पे रेडियस भी क्या हो जाए, वन हो जाए, ये भी रेडियस वन हो जाए और ये भी रेडियस वन, तो इसका रेडियस क्या, रेडियन जो होगा मतलब एंगल वो एक रेडियन हो जाएगा, एक रेडियन को सी से डिनोट किया जाता है। तो ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। और एक रेडियन जो होता है वो पाई अपॉन 180 के इक्वल होता है, ठीक है। एक रेडियन जो होता है वो पाई अपॉन 180 के बराबर होता है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट भी करना हो तो आपको कन्वर्ट करने के लिए जाना होगा। देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड रियल नंबर, तो वहीं एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, ये एक फार्मूला हो जाएगा। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क जैसे यहाँ पे ये सर्किल है तो इसका ये लेंथ जो होता है ना वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, ये रेडियस है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा रेडियन में बनेगा, ठीक है, रेडियन में बनेगा। तो सीधा लगा दिए तो फिर यहाँ पे जो होगा, अब देखिए एक ही और है कि एक डिग्री जो होगा वो एक डिग्री किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे एक डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे पाई, ये पाई बाय 180 होगा। अगर यहाँ पे एक डिग्री को इससे एक डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आ गया रेडियन में, रेडियन में आ गया। फिर वहीं अगर एक रेडियन को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डिग्री में, तो कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे 180 ऊपर जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा और यहाँ पे इतना आएगा ये डिग्री में आएगा। तो इस प्रकार से आप मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिया है एक डिग्री उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक रेडियन दिया है या रेडियन में दिया है उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन क्या है, डिग्री एंड रेडियन। तो रेडियन और डिग्री के बीच में यहाँ पर बताया गया है 2π = 360, यानी कि पाई का वैल्यू 180 होता है। तो इस प्रकार से अगर एक रेडियन का वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकाले तो 180 में अगर पाई से डिवाइड करें, पाई का मतलब 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आएगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेट माना जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वन रेडियन जो डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वन डिग्री जो होता है वो 0.01746, कहीं कहीं 1.45 भी लिखा जाता है, तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4546 ये दोनों मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे इसमें कुछ जो टेबल है वैल्यू का वो याद रखना होगा, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर होता है, 45 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 4 के बराबर होता है, 60 पाई बाई 3 और 90 जो होता है पाई बाई 2 और 80 जो होता है 180 वो पाई के इक्वल, और यहाँ पे 270 जो होता है वो 3 पाई बाई 2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे 360 जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ये क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे नेशनल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम ही क्या कहलाएगा, नेशनल कन्वेंशन, जो कि आपको बता चुके हैं एक रेडियन में मेजर करना है, तो यहाँ पे पाई 180 बाई पाई कर दीजिए तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिग्री में दिया रहेगा तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दो फार्मूला हो गया, ये दो फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक डिग्री है और रेडियन मेजर है तो यहाँ सी होगा, अगर एक डिग्री है तो यहाँ डिग्री होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से जो आएगा वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे थीटा डिग्री होगा तो यहाँ पे थीटा डिग्री हो जाएगा, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जांपल भी है, वो एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना है 4 डिग्री 40 डिग्री और 20 मिनट, इसका मतलब ये क्या होता है 40 डिग्री और प्लस में 20 मिनट है, 20 मिनट में क्या होता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ये डिग्री में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 40 डिग्री और प्लस में कितना आ जाएगा 2/3 जा, तो 1/3, इतना अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा
43 जा 120 और प्लस में 1/3 इतना डिग्री, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कितना 121/3। अब इसको कैंसिल कर नहीं सकते हैं, तो अब इसको हटा के देखिए फिर से हम यहाँ पे 121/3 आ गया है। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ज़रा देख सकते हैं, इसको 121 लिख दिया बाई 3 और ये आ गया 22/7 × 180। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा 7 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। इसके बाद जो कन्वर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पाई में आएगा, तो पाई में आएगा तो कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कुछ अलग आ जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, या पॉइंट में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा या पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में लाना के लिए हमको चेंज करना होगा, पहले इससे बेहतर है कि हम पाई में ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है 121 और बाई 3 था, इंटू में पाई बाई 180 बोले थे, इसलिए 3 से और इसको गुना कर दिया 121 पाई अपॉन कितना आएगा 540। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इस तरीके से है, तो आप इसको बना सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जो है ना, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया है, बोल रहा है क्या चीज़ कि फाइंड दी रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब ये 25 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे एक इनिशियल लाइन ले लीजिए, अब यहाँ पे एक टर्मिनल लाइन ले लीजिए, इस दोनों के बीच में क्या करना है, अप्रोक्स यहाँ पे चांद की सहायता से आप बना लीजिएगा, इस तरीके से जो चांद होता है तो इसमें आप चांद की सहायता से आप बना सकते हैं, सभी एंगल बना बन जाता है उससे। तो यहाँ तो 35-30 डिग्री होता है, आसानी से निकल जाता कि अगर यहाँ पे एक बार कट करते हैं तो 60 बनाता है, फिर दोबारा कट करते हैं इस नोकी को यहाँ पे रख के और यहाँ पे कट करते हैं तो ये 120। फिर यहाँ पे इसको हम अगर काटते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर, मतलब इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ पे कटेगा और ये यहाँ पे कटेगा, तो ये 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये लाइन 30 डिग्री पे आ जाएगा, बट यहाँ पे इससे कम चाहिए हमको, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका जो एंगल होगा वो अप्रॉक्स ये आएगा 25 डिग्री, ठीक। अब ये कैसे डायरेक्शन क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से यहाँ सेकेंड नंबर भी देख सकते हैं 47 डिग्री और प्लस में 30 मिनट, इसका मतलब है कि 47 डिग्री और प्लस में इतना है तो कितना आ जाएगा, 47 का डबल जो होता है वो कितना आ जाएगा 94 और एक इसको जोड़ दिया जाएगा 95/2 क्या आ जाएगा 2, इतना डिग्री आ जाएगा। अब इतना को हम लोग लिखेंगे निगेटिव एंगल है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव आएगा और यहाँ पे 45 से भी ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है ये 90 नहीं आने वाला है लेकिन 45 से ज़्यादा जाएगा, तो ये इस तरह से डिनोट कर देंगे माइनस में 47 डिग्री और 30 मिनट अप्रोक्स ये आ जाएगा। हम इसको इनिशियल लाइन मानेंगे और इसको टर्मिनल लाइन मानेंगे, इस प्रकार से एंगल हो गया, ये भी सेकेंड बन गया। और 240 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक लाइन हो जाएगा, एक लाइन ले लेना है इनिशियल लाइन। अब ये पॉजिटिव एंगल है तो इसका मतलब है कि 180 से ज़्यादा होगा और यहाँ पे 180 से ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, 60 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हो गया 180 प्लस में 60, इधर से अगर मेजर करेंगे ना तो 120 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इधर से मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे 240 इसको मेजर करके दिखा देना है, ठीक है। ये मान लीजिए कि O है, A है और यहाँ पे B है, और फिर यहाँ पे 520, इसका मतलब इसका वन साइड हो जाएगा इनिशियल साइड, और फिर एक चक्कर और लगा देगा, देखिए एक चक्कर और लगाएगा 360 हो जाएगा। अब 360 के बाद अब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 360 घटा दीजिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा वो पता चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 और प्लस में ये 4160 आएगा। 160 कब आएगा, तो यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ना, ये मान लीजिए ओरिजिन था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, बट यहाँ पे इसमें 20 डिग्री कम आएगा, ये इधर से 20 डिग्री कम आएगा तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, मतलब आपको ये बता रहे हैं एक लाइन हो गया, ये एक चक्कर लगाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये इस साइड से जाएगा, जो कि ये सीधा नहीं जाएगा, ये सीधा 180 आ जाएगा, तो ये इतना नहीं जाएगा और ये इतना आएगा, मतलब वापस से कितना आना पड़ेगा इसको 160 आएगा, ठीक है। या तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 160, या तो आप लिख सकते हैं 360 प्लस में 160 इज इक्वल टू 520।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब यहाँ पे रेडियन मेजर में दिया हुआ है तो 11 बाई कितना है 16, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो पाई बाई 180 बाई कितना आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 बाई कितना आ गया 60, और यहाँ पे 180 बाई कितना आ गया 22 अपॉन 7, तो ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 11 बाई 16 आ जाएगा, 180 बाई कितना आ जाएगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा 7, 11 टू जा कितना आएगा 11 टू जा 22, और फिर यहाँ पे 2 से कैंसिल किया जाएगा तो ये 90 आएगा। अब ये आ गया कितना 97 जा कितना आएगा 630 और अपॉन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, 630 में डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 पंचे अस्सी सोलह चौका 64, अच्छा 64 नहीं होगा, 16 तीन 48 ही लगेगा, 48 लगेगा तो ये बचेगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा 50, और यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे 150 में कितना आएगा, तो 16 नमा 144 144 माइनस में आएगा 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं 39 डिग्री आ गया प्लस में 6 बाई, अब यहाँ पे जो 6 बच गया रिमाइंडर ना, 6 में क्या करना है, नीचे 16 लिख देना है, ठीक है, 6 में 16 से डिवाइड और 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब मिनट में बदल जाएगा तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा कितना 360, तो 360 और यहाँ पे डिवाइड करिए 16 से। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 टू जा ये 39 डिग्री, फिर यहाँ पे 16 दुना 32 3 आए 4 आएगा 4 पर 0 तो 4 पर 0 40 4 पर 0 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो 16 दुना 32 अप्रॉक्स 22 मिनट, ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 8 बचेगा 8, तो 8 बटा कितना आएगा 16, तो 1/2 मतलब यहाँ पे 30 सेकेंड अप्रॉक्स यहाँ पे आ गया यही आंसर, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। यहाँ पे मिनट का सिंबल जो है ना डबल लिखा गया था, 30 सेकेंड इस तरीके से आ जाएगा इसका फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी निकालिएगा इस तरीके से ही, तो माइनस में 4 पहले निगेटिव हटा लीजिएगा, पॉजिटिव के पहले निकालिए, 4 का निकालिएगा 1 कितना आ जाएगा 4 का ये आएगा पाई, आपको कन्वर्ट करना है 180 बाई क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 229 डिग्री और समथिंग यहाँ पे जो आएगा आप चेक करके देख सकते हैं। अब फिर इसको चेंज करिएगा तो यहाँ पे 180 बाई कितना आएगा पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 60 हो जाएगा, अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 300 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे 7π/6 निकालिए, तो ये π/6 का मतलब होता है कितना 30 डिग्री, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए 30 को कितना आ जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 7π अपॉन कितना आएगा 6, और यहाँ पे 180 अपॉन कितना आ जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 6 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 × 30 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 210 डिग्री 210 डिग्री आ जाएगा, ऐसा इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकेंड नंबर कन्वर्ट तो हो गया, अब यहाँ पे जो है ना रिवोल्यूशन वाला देखिए क्या बोला है कि एक व्हील मतलब चक्के हैं, अब यहाँ पे 360 रिवोल्यूशन करता है एक मिनट में अंदर, मतलब यहाँ पे 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर लेता है, ये 360 रिवोल्यूशन कर लेता है, तो इसीलिए 1 मिनट के अंदर कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 360 में 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों 60 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 6 रिवोल्यूशन लगा दिया, तो 6 रिवोल्यूशन हो गया, यानी 1 सेकेंड के अंदर 6 चक्कर लगाएगा। तो आपसे पूछा गया है हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड में कितना टर्न रेडियन कवर करेगा वो पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे 1 सेकेंड में ये जो कवर कर रहा है वो 6 रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, और 1 रिवोल्यूशन में कितना होता है
तो 2π रेडियन बनाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक रेवोल्यूशन हो गया तो एक सर्किल बनाता है, ये 2π रेडियन बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 रेवोल्यूशन बना रहा है, तो ये 2π रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12π रेडियन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा तो ऑप्शन दे लेंगे, नहीं तो आंसर मिला लेंगे, 12π रेडियन हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। डिग्री मेजर, ठीक है, आपको डिग्री मेजर मतलब थीटा पूछ रहा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू व्हाट इन डिग्री। आगे बोल रहा है क्या चीज, ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस कितना बोला है 100, आर इक्वल टू बोला है 100 सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना लिखा हुआ है 22 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू कितना 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई आर, एल बाई आर होता है, तो एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 22/100 हो जाएगा। अब ये इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, ये जो थीटा है उसको डिग्री में होना चाहिए, ये रेडियन में आ रहा है अभी, ठीक है, तो इतना आ चुका है थीटा इक्वल टू ये 22/100 जो आया है 100 आया है, इसको अब डिग्री मिलाने के लिए 180 डिग्री मिलाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 होता है, इसके जगह पे 22 लिख दिए और 7 लिख दिए ऊपर, तो यहाँ पे 22 से 22 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, 10 से 5 और फिर यहाँ पे 9, तो ये आ गया आपका 9 × 7/5 कितना आ जाएगा 5, मतलब 63/5 आ जाएगा, 63/5। अब इसको निकालिएगा तो 12 डिग्री, और फिर यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 में 60 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे 5 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 30 मिनट, कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 12 डिग्री, 12×5=60, और फिर यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 6 मिनट हो जाएगा अप्रॉक्स 6 मिनट, तो यहाँ पे 3×2=260 और यहाँ पे 2/5, तो यहाँ पे 12×3=36 हो जाएगा, ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट हो जाएगा 4 का आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन सर्किल अब डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब डी बोला है कितना 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कोड इज यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड भी बोल रहा है, लेंथ ऑफ कोड मतलब कितना आ गया, कोड होता है, तो कोड लिखेंगे, कोड इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ यहाँ पे माइनर आर्क ऑफ द कोड, अब माइनर आर्क का लेंथ निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब ये एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ये कोड है, कोड का लेंथ बोला है कितना है 20 है, 20, चलिए इसको यहाँ पे नहीं विजुअल होगा, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल सर्किल हो गया, ये हो गया कोड ए बी, और यहाँ पे क्या है एक सेंटर है सर्किल का सेंटर, फिर रेडियस कितना बोला है 20, ये भी रेडियस है, ये भी 20, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या बोला है, डायमीटर बोला था 40, तो इसका मतलब ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया आपका 20 रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और ये कोड बोला है कितना 20, तो इसीलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे तीनों साइड जो है इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि थीटा जो हो गया वो 60 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स π/3 आ जाएगा। अब ये π/6 आ गया, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो यहाँ पे लेंथ तो आपको पता चल गया और आर आपको मालूम है, सॉरी एंगल मालूम हो गया रेडियन में कितना है, ये थीटा इक्वल टू हो गया π/3, और आपको आर भी मालूम है कितना है, तो यहाँ पे 20 है, तो आपको निकालना है एल इक्वल टू, तो एल इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आर के जगह पे हो गया 20 और थीटा के जगह पे हो गया π/3, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20π/3 कितना आ गया, 20π/3 आ गया, बट इसको देखिए आप कौन सी में मांग कर रहा है, ठीक है, 20π/3 कितना आ गया 3, बट यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क है ना पूछ रहा है, तो एल इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे 20π के जगह पर रखना चाहते हैं, तो 22/7 रख दीजिए, रखने से क्या आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना था नीचे
अप्रॉक्स यही होगा जो आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, इन इफ इन टू सर्किल, अगर दो सर्किल है, अब बोल रहा है कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एट द 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इस दोनों रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। एक दो सर्किल है, ये इसका रेडियस कितना है, आर वन है, और एक और सर्किल है इसका रेडियस कितना है, आर टू है। तो इसमें क्या होगा कि एंगल भी आपको दिया हुआ है, ये थीटा वन है, थीटा वन कितना दिया है 60 डिग्री, और यहाँ पे थीटा टू कितना दिया है, ये दिया है 75 डिग्री। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका लेंथ ऑफ आर्क है तो आर वन बाई आर टू का रेशियो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क भी बोला जा गया है, ये एल वन है बराबर में एल टू, ये बराबर बोला गया है। तो एक चीज़ और है कि इसका एक फार्मूला निकालते हैं, या एंगल निकालिए, थीटा वन क्यों निकालिएगा 60 डिग्री का लिखाएगा पाई बाई थ्री, और यहाँ पे थीटा टू जो है इसका लिखाएगा 75 डिग्री का कितना, तो ये आएगा 15 डिग्री, 15 × 75 तो यहाँ पे पाई बाई कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा। तो अब यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, तो L1 इक्वल टू L2 है, क्या है L1 इक्वल टू L2 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं गलती ना हो, तो 22/7 लिख दिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया 180, तो यहाँ पे 75, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 × 75, और यहाँ पे अगर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15 × 75, और यहाँ पे 5 से काटें तो यहाँ पे 5 × 15, और यहाँ पे 5 × 15 5 × 36 36, तो यहाँ पे 36 में अगर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा 18, और यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 18 आ गया तो 3 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस प्रकार से पाई में ही आना चाहिए, तो पाई में ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पाई में है तो और बढ़िया है। कितना आएगा 75 गुने पाई बटा कितना आएगा 180। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो रख दीजिए फिलहाल। अब यहाँ पे L1 इक्वल टू कितना था L2, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा R1 इक्वल टू थीटा वन, और यहाँ पे R2 इक्वल टू थीटा टू। R1 कितना है, R1 ही रहेगा, थीटा वन की जगह पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे R1 बाई R2 हम यहीं पर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा टू अपन क्या आ जाएगा थीटा वन, तो थीटा टू कितना है यहाँ पे 75 डिग्री इंटू में कितना आ गया पाई बटे 180। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 इंटू पाई बटे कितना 180, तो यहाँ पे पाई बटे 180 कैंसिल हो जाएगा, तो 75 है तो 15 × 75 15 × 60, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों का रेडियस का रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गया, तो 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसमें क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द पेंडुलम स्विमिंग लेंथ, यहाँ पे इतना, एंड यहाँ पे टिप्स डिस्क्राइब एंगल आर्क लेंथ, क्या है आर्क लेंथ, यहाँ एल बराबर ये सब दिया गया है, और रेडियस जो है ना 75 सेंटीमीटर सबके लिए, इस तीनों के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आर इक्वल टू 75 है, और यहाँ पे एल इक्वल टू, जब यहाँ पे फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो एल इक्वल टू जब 10 रहेगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, तो यहाँ पे एल बाई कितना आएगा आर, मतलब 10 बाई कितना आएगा 75, तो 75 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, यानी कि कैंसिल कीजिए 5 × 10, और फिर यहाँ पे यानी कि कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा इक्वल टू 2 × 5 × 2 और फिर यहाँ पे 15 × 75 तो 15, 2/15 आ जाएगा, तो 2/15 आ गया। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अब ये डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या चीज़ में चाहिए, एंगल इन रेडियन, रेडियन में ही चाहिए, बस इतना ही बोला गया, तो इतना ही रेडियन हो जाएगा 2/15 रेडियन। फिर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा, डायरेक्ट निकालिए थीटा इक्वल टू निकाला था, यहाँ पे एल है 15 और यहाँ पे 75, तो इसको कैंसिल करें तो 1/5 आ जाएगा, यही हो जाएगा 1/5 रेडियन।
21 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो तीसरा का यानी तीसरा का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू 21 बटे 75। तो यहाँ पे 3 से अगर काटेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ 15 आ जाएगा, 7 बटे कितना आ गया 15। इस तरीके से तीनों का सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का बुक ले का सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन नहीं बुक का हेल्प लेना पड़ा मुझे, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको 3.2 का इस तरीका से अच्छा लगेगा तो इसी तरीका से लाएंगे, नहीं तो इसको अलग से सॉल्यूशन करके बताएंगे या इसमें सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीका से चलिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके बता आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक पोस्टर मिल रहा है, ठीक है, इस पर आप एड्रेस नंबर है एड्रेस है सब कुछ है, आप आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहेगा, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।